نہیں پہننا پہننا ہاں پہن کے نہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. حضرات بغیر کسی تمہید کے لوگوں نے بہت سی منقبتوں کی فرمائش بھی کی ہے مومنین نے, اور جتنا ممکن ہو سکے گا مجھ سے میں انشاءاللہ حاضر کروں گا. ابھی عرشی کربلا کی بات کر رہے تھے, وہ چار مصروں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. آغا بھائی, یہاں ابھی ہم کو پتہ یہ چلا ہے جی تحت آپ کے لیے تحت پابندی ہو. نہیں نہیں تحت تھوڑا سا پڑھنا ہے, میں ایک دو چار شعر کام کے پڑھ کے پھر ترنم تو پڑھنا ہی ہے مجھے. میں سنجیدہ شعر پڑھنے والا, تھوڑا سا توجہ فرمائیں جو ہے, تو جہاں ترنم کی ضرورت ہے وہاں ترنم, جہاں تحت میں پڑھنا ضروری ہے تو انشاءاللہ میرا تحت بھی اتنا خراب نہیں ہے, یہ ہے کہ میں چیخ کے نہیں پڑھتا. اشعار اچھے ہوں تو چیخ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, شعر سننے والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں. کربلا کا موضوع بھی شرع ہوا تھا تو یہ چار مصرے عرض کیا کہ کہہ دو کوئی ہنسی سے, کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک, کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک, اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے. کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک, اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے, اور جس دن سے اس زمین پر کرب و بلا ہوئی ہے, جس دن سے اس زمین پر کرب و بلا ہوئی ہے, آنسو میں اور ہنسی میں غیبت کا فاصلہ ہے. کہہ دو کوئی ہنسی سے, کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک, اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے, اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے, اور جس دن سے اس زمین پر کرب و بلا ہوئی ہے, آنسو میں اور ہنسی میں غیبت کا فاصلہ ہے, غیبت کا فاصلہ ہے, اور مولا نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا تو ہے. میں طرح میں بھی پیش کروں گا کہ مولا نے, دو چار شعر سن لیجیے اس کے بعد طرح میں, کہ مولا نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا تو ہے, چاہے وہ جب بھی آئیں ہمیں آسرا تو ہے. مولا نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا تو ہے, چاہے وہ جب بھی آئیں ہمیں آسرا تو ہے, ہمیں آسرا تو ہے, اور لکھ کر عریضہ شکر کا سجدہ کرو ادا, لکھ کر عریضہ شکر کا سجدہ کرو ادا, غیبت میں بھی امام سے ایک رابطہ تو ہے. لکھ کر عریضہ شکر کا سجدہ کرو ادا, غیبت میں بھی امام سے ایک رابطہ تو ہے, اور کیا غم ہے اپنے پاس جو اس کا پتہ نہیں. شعر سنیے, کیا غم ہے
अपने पास जो उसका पता नहीं, उस मेहरबान के पास हमारा पता तो है। क्या गम है, क्या गम है, अपने पास जो उसका पता नहीं, उस मेहरबान के पास हमारा पता तो है। हमारा पता तो है। और ये दो शेर दूसरे शेर छोड़ते हुए कि काबे की समत क्या गम है, क्या जी शुक्रिया इज्जत अफजाई का, क्या गम है अपने पास जो उसका पता नहीं, उस मेहरबान के पास हमारा पता तो है। उस मेहरबान के पास हमारा पता तो है। क्या गम है अपने पास जो उसका पता नहीं, उस मेहरबान के पास हमारा पता तो है। और काबे की समत गौर से क्यों देखते नहीं, काबे की समत गौर से क्यों देखते नहीं, दीवार पर अली का कसीदा लिखा तो है। काबे की समत काबे की समत गौर से क्यों देखते नहीं, दीवार पर अली का कसीदा लिखा तो है, कसीदा लिखा तो है। और मैं जन्नतें खरीद के लोगों में बांट दूं, चल देखिए, मैं जन्नतें खरीद के लोगों में बांट दूं, दामन में इतनी दौलत अश्के अज़ा तो है। मैं जन्नतें खरीद के लोगों में बांट दूं, दामन में इतनी दौलत अश्के अज़ा तो है। मैं जन्नतें खरीद के लोगों में बांट दूं, दामन में इतनी दौलत अश्के अज़ा तो है। उस मेहरबान के पास क्या गम है अपने पास जो उसका पता नहीं, उस मेहरबान के पास हमारा पता तो है। और ये दो शेर आप तमाम के दिल की आवाज़ है, मैं पेश कर रहा हूँ, तमाम ज़ाहिरीन हैं करबला के, मैं पेश कर रहा हूँ कि मवद्दत के सफ़र में क्या तरक्की पर तरक्की है, मवद्दत के सफ़र में क्या तरक्की पर तरक्की है, क्या तरक्की पर तरक्की है। मदीने से नजफ आया, नजफ से करबला आया, मवद खामोश हो गया हजरत, शेर का रुख ले लिया आपने। मवद्दत के सफ़र में क्या तरक्की पर तरक्की है, मदीने से नजफ आया, नजफ से करबला आया, ये सोचा था पीऊँगा अलखमा से मांग कर पानी, मदीने से नजफ आया, नजफ से करबला आया, ये सोचा था पीऊँगा अलखमा से मांग कर पानी, ये सोचा था पीऊँगा अलखमा से मांग कर पानी, वहाँ खुद अपनी ही आँखों से मैं दरिया बहाया। ये
ये सोचा था पीऊंगा अलखमा से मांग कर पानी, ये सोचा था पीऊंगा अलखमा से मांग कर पानी, वहां खुद अपनी ही आंखों से मैं दरिया बहाया, ये सोचा था पीऊंगा अलखमा से मांग कर पानी, ये सोचा था पीऊंगा अलखमा से मांग कर पानी, ये सोचा था पीऊंगा अलखमा से मांग कर पानी, वहां खुद अपनी ही आंखों से मैं दरिया बहाया, वहां खुद अपनी ही आंखों से मैं दरिया बहाया, ये सोचा था पीऊंगा अलखमा से मांग कर पानी, वहां खुद अपनी ही आंखों से मैं दरिया बहाया। और तरह में कुछ शेर है, उसके बाद फिर मैं तरुण से फरमाइशें चचा की भी हैं, आपकी भी, आप बहुत से लोगों की हैं, बहर जितना मुमकिन हो सके मुझसे पढ़ा जा सके पेश करो। मतलब के जमाना जमाना एक जमाने से इस्तेराब में है, जो हालत दुनिया की इस वक्त है और सदियों से है चल रहा है। जमाना एक जमाने से इस्तेराब में है, सबब यह है कि जमाने से तू हिजाब में है, जमाने से इस्तराब में है, जमाना एक जमाने से इस्तराब में है, सबब यह है कि जमाने से तू हिजाब में है, जमाना एक जमाने से इस्तराब में है, सबब यह है कि जमाने से तू हिजाब में है। और एक मतला उसने मतला है, ये मेरी किताब है बयाज़े जान मनकबत की किताब, इसने काफ़ी पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की और कुछ दुश्मनों ने इसमें के कुछ शेर इंतखाब करके ऐलान किया, बल्कि सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने तबर्रा के शेर, बहरहाल वो लायक ज़िक्र नहीं है। तो ये मेरी किताब है, ज़माना एक ज़माने से इनखिलाब इस्तराब में है, सबब यह है कि ज़माने से तू हिजाब में है, शकिस्ता ख़त है मगर हरफ़ बारियाब में है, शकिस्ता ख़त है मगर हरफ़ बारियाब में है, बयाज़ जाँ भी तेरी चश्मे इंतखाब में है, बयाज़ जाँ भी तेरी चश्मे इंतखाब में है, जला गया है कोई शम्मे इंतज़ार यहाँ, जला गया है कोई शम्मे इंतज़ार यहाँ, ये रोशनी जो दिले खानुमा ख़राब में है, जला गया है कोई शम्मे इंतज़ार यहाँ, ये रोशनी जो दिले खानुमा ख़राब में है, और ये रोशनी जो दिले खानुमा ख़राब में, ज़रा लफ्ज़ियात थोड़ी सी मुश्किल हैं, एक दो चार शेर में आप सुन लीजिए कि ज़मीन ज़ाले को हन साल, ज़ाल कहते हैं बुढ़िया को, ज़मीन ज़ाले को हन साल खिज़र पीरे मर्द, जमीन जाल कहते हैं बुढ़िया को, बहुत सिन रसीद औरत, जमीन जाले कोहन साल खिज़र पीरे मर्द, तू आज तक भी उसी आलम शबाब में है, जमीन जाले कोहन साल खिज़र पीरे मर्द, तू आज तक भी उसी, तो आज तक भी उसी आलम शबाब में है, तो आज तक भी उसी आलम शबाब में है। और ये खाफिया सर्फ हुआ है, मर एक अलामत ज़हूर
کے متعلق جو احادیث ہیں اس میں ایک اہم احادیث یہ ہے کہ جب ایمان کا ظہور ہوگا کعبے میں تو سورج میں ایک شکل نظر آئے گی اور جبرائیل آواز دیں گے, اس شکل سے آواز آئے گی کہ ایمان کا ظہور ہو چکا ہے, اعلان ہوگا ساری دنیا میں, دنیا کی ہر قوم اپنی زبان میں اس آواز کو سنے گی اور سمجھ لے گی. یہ مشہور یہ ظہور کی علامتوں میں ہے کہ تو آج تک بھی اسی عالم شباب میں ہے, نیا زمانہ سمجھتا ہے روشنی کی زبان, نیا زمانہ سمجھتا ہے روشنی کی زبان, تیرے ظہور کا نخارہ آفتاب میں ہے, نیا زمانہ سمجھتا ہے روشنی کی زبان, تیرے ظہور کا نخارہ آفتاب میں ہے, نیا زمانہ سمجھتا ہے روشنی کی زبان, تیرے ظہور کا نخارہ آفتاب میں ہے, اب آپ ہی کو سنائیں گے درد دل اپنا, اب آپ ہی کو سنائیں گے درد دل اپنا, زباں کو اتنا تحمل تو اضطراب میں ہے, اب آپ ہی کو سنائیں گے درد دل اپنا, زباں کو اتنا تحمل تو اضطراب میں ہے, زباں کو اتنا تحمل تو اضطراب میں ہے. اور یہ شعر بھی آج کے حالات جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, اب آپ ہی کو سنائیں گے درد دل اپنا, زباں کو اتنا تحمل تو اضطراب میں ہے, یہ ہم ہیں اور یہ زمانے کا تیز رو رہوار, یہ ہم ہیں اور یہ زمانے کا عرشی شعر دیکھنا, یہ ہم ہیں اور یہ زمانے کا تیز رو رہوار, نہ باغ ہاتھ میں نہ پاؤں ہی رکاب میں ہے, یہ ہم ہیں یہ ہم ہیں اور یہ زمانے کا تیز رو رہوار, نہ باغ ہاتھ میں نہ پاؤں ہی رکاب میں ہے, نہ باغ ہاتھ میں نہ پاؤں ہی رکاب میں ہے. اور یہ شعر سنیے, پڑھے دعائے فرج بے عمل تو کیا حاصل, پڑھے دعائے فرج بے عمل تو کیا حاصل وہ خواب ہی میں ہے جاگا ہوا جو خواب میں ہے, پڑھے دعائے فرج بے عمل تو کیا حاصل وہ خواب ہی میں ہے جاگا ہوا جو خواب میں ہے, وہ خواب ہی میں ہے جاگا ہوا جو خواب میں ہے, اور بہت قریب ہے جو انقلاب مہدی کا. شعر سنیے, قبلہ شعر پیش کرنا, بہت قریب ہے جو انقلاب مہدی کا, دھمک اسی کی خمینی کے انقلاب میں ہے, بہت قریب ہے جو انقلاب مہدی کا دھمک اسی کی خمینی کے انقلاب میں ہے. اور بجائے رٹنے کے قرآن کو غور سے پڑھیے, بجائے رٹنے کے, یہ آپ حضرات سے مخاطبت نہیں ہے, بجائے رٹنے کے قرآن کو غور سے, ہم تو غور سے پڑھتے ہی ہیں,
ये दूसरों से किताब है, बजाय रटने के कुरान को गौर से पढ़िए, बजाय रटने के कुरान को गौर से पढ़िए, जो ज़िंदगी का है नुस्खा इसी किताब में है, जो ज़िंदगी का है नुस्खा इसी किताब में है। आज दुनिया परेशान है तमाम मसाइल से, जो ज़िंदगी का है नुस्खा इसी किताब में है। अब यहाँ से मध्य मौला में दो चार शेर इसमें हो गए हैं, मैं पेश कर दूँ। ज़बाँ पे कुछ नहीं रहता अली अली के सिवा, चल देखिए, ज़बाँ पे कुछ नहीं रहता अली अली के सिवा, नशा वो अर्श से उतरी हुई शराब में है। ज़बाँ पे कुछ नहीं रहता अली अली के सिवा, नशा वो अर्श से उतरी हुई शराब में है, नशा वो अर्श से उतरी हुई शराब में है। हाँ, ये इमाम के सिलसिले का शेर था, ये छूट गया, मैं पेश कर दे रहा हूँ कि पढ़े दुआए फरज बे अमल तो क्या हासिल, वो ख्वाब ही में है जागा हुआ जो ख्वाब में है। ये काफिया अब तक नहीं आया है। जिसकी चोंच में जैतून की वो शाख अब तक फाख्ता, जैतून शाख ये वो अलामत है यूएनओ की बिल्डिंग पे, जो अलामत है अमन की अलामत कहलाती है फाख्ता। और जब भी कोई बात अमन की होती है, माहिदा होता है, तो फाख्ता तोड़ी जाती है, तो उसकी चोंच में जैतून की शाख अमन की अलामत है फाख्ता। और यूएनओ के का वह है एम्बलम है वो फाख्ता है, निशानी है। जिसकी चोंच में जैतून की वो शाख अब तक वो फाख्ता भी मगर पंजे वो ख्वाब में है। जिसकी चोंच में जैतून की वो शाख अब तक है, जिसकी चोंच में है, जिसकी चोंच में जैतून की वो शाख अब तक वो फाख्ता भी मगर पंजे वो ख्वाब में है, वो फाख्ता भी मगर पंजे वो ख्वाब में है, वो फाख्ता भी मगर पंजे वो ख्वाब में है। ज़बाँ पे कुछ नहीं रहता अली अली के सिवा, नशा वो अर्श से उतरी हुई शराब में है। अब ये दो चेर आखिरी दो तीसरे यहीं पे हो गई नज़ीर भाई अख्तर, यहीं पे हो गई लफ्ज़ों की कायनात तमाम। अकबर भाई खास तौर पर, यहीं पे हो गई लफ्ज़ों की कायनात तमाम, यहीं पे हो गई लफ्ज़ों की कायनात तमाम, अभी तो पहला कदम मधे बूतराब में है। यहीं पे हो गई लफ्ज़ों की कायनात तमाम, यहीं पे हो गई लफ्ज़ों की कायनात तमाम, यहीं पे हो गई लफ्ज़ों की कायनात तमाम, अभी तो पहला कदम मधे बूतराब में है, अभी तो पहला कदम मधे बूतराब में है। इसे अली के फजाइल का मौजज़ा कहिए, शेर देखिए, इसे अली के फजाइल का मौजज़ा कहिए, मोहिते बहरे सुखन फिक्र के हबाब में है। इसे अली के फजाइल का मौजूदा कहिए, मोहिते बहरे सुखन फिक्र के हबाब में है। फिक्र के आखिरी शेर, उरूज हुस्ने महे नौ का कहकशां में नहीं। हिलाल का हिलाल जब तरक्की करता है तो माहेनो बनता है, माह तमाम बनता है, माहेनो हिलाल पहली दूसरी चांद तारीख का चांद। उरूज हुस्ने महेनो का कहकशां में नहीं, गुबारे कफशे कफे पाए बूतराब में है। उरूज हुस्ने महेनो का कहकशां में नहीं, गुबारे कफशे कफे पाए बूतराब में है। और एक शुरुआत का सहारा दें, मैं तरुण से मैं पेश कर दूँ।
अल्लाह की शुरुआत करो। एक दो मनखबतों के मुख्तसर शेर और बहुत फरमाइश है दो चीज़ों की मैं हाजिर कर रहा हूँ भाई की फरमाइश है। एक और शुरुआत का सारा दे जो हम तुको जिंदगी बेचते हैं, जो हम आपको जिंदगी बेचते हैं। लिखा के माने हैं मुलाकात, लिखा है बारी, लिखा है मौला, मुलाकात मिलना यानी बहुत ही करीब हो जाना। जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं, बवजह लिखाए अली बेचते हैं। जो हम मौत को जिंदगी बवजह लिखाए अली बेचते हैं, और कटा देंगे सर सूलियों पर चढ़ेंगे, कटा देंगे सर चढ़ेंगे, कहाँ लोग इश्क़े अली देते, कहाँ लोग इश्क़े अली बेचते हैं। असरे दार भी एक दुकान है हमारी, जहाँ सिर्फ मद्ह अली बेचते हैं। और फिर देखिए, ये होता है दोनों की मर्जी का सौदा, तुमको मुबारक हो मीसम, तिजारत ये तुमको
खजूरे तुम्हारी देखिए जो हजरात बाहर है वाकई पछताएंगे, बेहतरीन शायरी हो रही है। जो हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाए आप हजरात, जो लोग सामने खड़े हैं बड़ा मेहरबानी बैठ जाए, आगे बड़ा मेहरबानी बैठ जाए। बहुत पछताएंगे जो हजरात बाहर खड़े हैं। जनाब आगा शरोज साहब बेहतरीन शायरी बेहतरीन आवाज, आइए जिस तरह से शायर का इस्तकबाल हुआ है बहुत दूर दराज से आए हुए हमारे जनाब आगा शरोज साहब एक नहीम सी आवाज पर रंगों की सरजमीन पर आए, बेहतरीन इस्तकबाल करिए ताकि ये आवाज निकले यहाँ रंगों की सरजमीन से चीनती हुई हैदराबाद तक जाए और ये लाइव के जरिए लोग देखे कि वाकई कितना बड़ा मजमा आपको देख रहा है। आवाज से आवाज मिलाइए नारे उन्हें हम
ये तावीज ना दे अली बेचते हैं और कई कहाँ हैं अली के दीवानों को ढूंढो हकीकत में जन्नत वही बेचते हैं। दो तीन शेर आखिर इसके कई मौलवी नाम लेकर दवा का कई मौलवी नाम लेकर दवा का तुम्हें जहर बगजे के ये दो शेर भी सुना दूँ हालांकि मैं ये अलग जरा मनखबत से हटके शेर है मगर हालात हाजरा पे कई नाम लेकर दवा का तुम्हें जहर बगजे अली बेचते ये बाज़ार दुनिया नहीं इससे पहले शेर है एक शुरुआत का सहारा दे हाँ ये दो शेर उन्हीं से तो ये सारी बर्बादियां हैं उन्हीं से तो ये सारी बर्बादियां हैं जो लम्हों के बदले सदी सदी बेचते हैं ये बाजार दुनिया है चलना संभल कर ये बाजार दुनिया है चलना संभल कर यहाँ शेर
ये बाजार दुनिया है चलना संभल कर यहाँ दुनिया बेचते हैं तिजारत ये तुमको मुबारक हम खजूरे तुम्हारी यरी बेचते हैं। और ये दो शेर तमाम अजादारों की नजर ये शेर नशिकों के मोती न दागों के नीलम नाशिकों के मोती न दागों के नीलम तो क्या खाक ये जौहर दागों के नीलम तो क्या खाक ये जौहरी बेचते हैं। और आखिरी शेर ये फूलों की औकात ही क्या है असगर ये फूलों की औकात ही क्या है असगर चुरा कर तुम्हारी हंसी हाँ वो सुना तो मैं चुरा कर तुम्हारी हंसी बेचते हैं। और मख्तार मुस्लिम मरकबत की चंद शेर बारे खातिर तो नहीं हो रहा मख्ता है इसमें एक लफ्ज़ है मुश्तरी मुश्तरी के माने हैं खरीदने वाला खरीदार खरीदार मुश्तरी यानी खरीदने वाला सरोशे सबाजार है शहर दिल में सरोशे सबाजार है शहर दिल में अली मुश्तरी है अली बे अली बेचते नारे सुबह का सारा दिन बहुत पुरानी मनकबत है शायद मैं यहाँ हाजिर हुआ था बरसों पहले लोग सुनते हैं बड़े शौक से इसको मैं पेश कर रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं वो कौन सा बोल रहे हैं अरे बहुत तवील हो जाएगा भाई उसका हाँ ठीक है दर के मुखा
ठेरा सर समय तेगे हैदर के मुकाबिल कौन थे रासर समय हो गया मंदर से गायब अपने पस मंदर समय मैं शेर छोड़ते हुए मुख्तसर हाथ में एक फूल तितली फूल से लिपटी हुई हाथ में एक फूल तितली फूल से था यूं ही उस हाथ में खैबर का दर लश्कर समय खैबर का दर लश्कर समय सो गए किशान से तेगों के साथ में अली सो गए किशान से तेगों के साथ में अली दूसरा होता तो चल देता कहीं बिस्तर समय दूसरा होता तो चल देता कहीं बिस्तर समय वो तो खंबर ने मेहार ऊंटों की फौरन छोड़ दी वरना कह देते अली ले जाइने खंबर समय बन नहीं पाता कजामों का जो मिंबर देखते बन नहीं पाता कजामों का जो मिंबर देखते आए बल्लग उतरती अर्श से मिंबर से फिर खाफिया दोहराया है चढ़ के जिस मिंबर पे हैदर को बुरा कहते थे लोग चढ़ के जिस मिंबर पे हैदर को बुरा कहते थे लोग डाले जाएंगे जहन्नम में उसी मिंबर समय
چار شعر آخری کیونکہ اب تک بھی پڑھنا ہے, دوسرے بھی ہیں, میں بیچ میں مخل زیادہ ہونا نہیں چاہتا. دو چار شعر بس, ایک سروت کا سہارا دو. کہاں مر گئے